नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों आज का पहला सवाल है, संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है। दूसरा सवाल है, तुलसी की पूजा क्यों की जाती है। तीसरा सवाल है, बियर पीने के क्या नुकसान है। चौथा सवाल है, संसार के सात सुख कौन कौन से हैं। पांचवा सवाल है, सोने से पहले क्या करना चाहिए। छठा सवाल है, लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है। और सातवां सवाल है, शराब पीने के बाद नशा क्यों हो जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी सवाल के जवाब को डिटेल्स में। दोस्तों यदि आपको इन सभी सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज का मजेदार सवाल जवाब का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है। दोस्तों वैसे तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी होता है। इस सवाल का जवाब में मैं आपको इंसान के दुखी होने के कुछ कारण बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला कारण है, इंसान का सबसे बड़ा दुख शरीर होता है। अगर इंसान का शरीर स्वस्थ है तो उसे सारी दुनिया आनंद में लगती है, लेकिन अगर इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, तो उसे यह पूरी दुनिया, धन दौलत, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी बेकार लगते हैं। इंसान अपने दुख और सुख दोनों को बांट सकता है, इंसान अपने धन दौलत को भी बांट सकता है, लेकिन इंसान अपने शरीर की तकलीफ को किसी से नहीं बांट सकता। इंसान की जो शरीर की तकलीफ होती है उसे वह स्वयं भुगतता है। और इस संसार में दुखी वह है जिसे किसी का कर्ज चुकाना हो, लेकिन इन सबसे ज्यादा दुखी वह है जिसकी पत्नी या पति दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। जब तक हमें अपने लिए सुख और दूसरों को दुख देने की इच्छा और कोशिश रहेगी तब तक हम दुखी ही रहेंगे। जैसा हम चाहें वैसा ना हो और जैसा ना चाहें वैसा हो, तो बस यही दुखों का मूल कारण होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के दूसरे सवाल के जवाब को। आज का दूसरा सवाल है, तुलसी की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों आयुर्वेद के मुताबिक धरती पर ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसकी कोई भी उपयोगिता ना हो। हर पौधे में कुछ ना कुछ खास गुण जरूर होते हैं, पर इन सब वनस्पतियों के बीच कुछ की पूजा विशेष महत्व होती है। इसमें से एक है तुलसी का महत्व। तुलसी का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। संस्कृत में तुलसी को हरी पिड़िया कहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी लगाने से, इसके दर्शन करने से, स्पर्श करने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी से प्रार्थना की गई है कि तुलसी आप संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं, सदा आदि व्याधि को मिटाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहां सुख, शांति और समृद्धि आती है। आसपास का वातावरण पवित्र होता है, मन में पवित्रता आती है। तुलसी को वेदों में महा औषधि बताया गया है जिससे सभी रोगों का नाश होता है। इससे फ्लू, बुखार, जुखाम, खांसी, मलेरिया, जोड़ों का दर्द आदि रोगों में लाभकारी बताया गया है। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। इससे वातावरण और पर्यावरण की भी रक्षा होती है और तुलसी स्वच्छ ऑक्सीजन को अपने से निकालती है और हमें प्रदान करती है। दोस्तों आपके लिए आज का अगला सवाल है, बियर पीने के क्या नुकसान हैं। दोस्तों कहते हैं कि किसी भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सवाल के जवाब में जानेंगे कि बियर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपकी बियर पीने से इसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। ज़्यादा बियर पीने से आप मोटे हो सकते हैं क्योंकि बियर में कैलोरी बहुत अधिक मात्रा में होती है। अधिक मात्रा में बियर पीने से इसका सीधा असर आपके लीवर पे भी पड़ता है, क्योंकि बियर में अल्कोहल पाया जाता है जो लीवर को खराब कर देता है। ज़्यादा बियर पीने से हाई ब्लड प्रेशर का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक होती है जो लहू में मिल जाती है और ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। ज़्यादा बियर पीने से आपको उल्टा सीधा बोलने की आदत भी पड़ जाती है। वाहन चलाते समय एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहता है, इसलिए वाहन चलाते समय बिल्कुल भी बियर या किसी भी प्रकार का धूम्रपान हो वो आपको सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, संसार के सात सुख कौन कौन से हैं। दोस्तों दरअसल एक कहावत है जो अक्सर सुनने को मिल जाती है, आपने भी कई बार सुना होगा, आखिर यह सात सुख क्या है।
यह भी कहा जाता है कि सातों सुख हर किसी को नहीं मिलते। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं संसार के सात सुख कौन कौन से होते हैं, जिनमें से पहला सुख है निरोगी काया, और हमारे पूर्वजों ने दूसरा सुख बताया है माया यानी कि धन संपत्ति। पास में यदि धन संपत्ति हो और पहला सुख भरपूर हो तो जीवन काफी आनंदमय हो जाता है। तीसरा सुख बताया गया है गुणवान संस्कारी जीवन साथी, और चौथा सुख बताया गया है आज्ञाकारी संतान। पांचवा सुख बताया गया है स्वदेश में निवास। यहाँ स्वदेश का अर्थ है कि स्वदेश यानी वह स्थान जहाँ पे हमारे पुरखे यानी कोई पूर्वजे रहा करते थे। अब आता है छठा सुख। छठा सुख में बताया गया है कि आदमी राज करे, उसके पास राजा जैसी शक्तियाँ हो, और सातवां में बताया गया है कि संतोषी सदा सुखी रहें। संसार के सात सुख जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि सातों सुख किसी को नहीं मिलते, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह आपको सातों सुख से नवाजे। दोस्तों अगला सवाल है, सोने से पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद सोते हैं तो आपका शरीर खाना पचाने के काम पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसे आराम ही नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। और इसी वजह से कई सारे लोग खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद ही सोने जाते हैं, जिससे उनका खाना पच जाए और वह सोने जाए तो उन्हें अच्छी नींद आ जाए। सोने के कई तरीके भी होते हैं, जिसमें से फ्रंट साइड से सोना, बैक साइड से सोना, दाएं से सोना या फिर बाएं से सोना। किसी तरह से आप सोते हो या आप सोच लो, लेकिन सोने का सबसे बेहतर तरीका लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं करवट लेकर सोना होता है। जी हाँ, जब इंसान बाएं तरफ से सिर रख के सोता है तो यह सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को फायदा होता है और बॉडी के सारे अंग आराम महसूस करते हैं। खुद वैज्ञानिकों ने भी इस बात को बताया है कि इंसानी शरीर में ज़्यादा भाग बाएं तरफ ही होता है। जब हम बाएं करवट लेकर सोते हैं तो शरीर को सबसे अधिक आराम महसूस होता है। आपने भी कई बार इस चीज़ को महसूस किया होगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल के जवाब को ध्यान से सुनना। शायद आपको पता नहीं होगा स्त्री पुरुष से ज़्यादा सुंदर क्यों दिखाई पड़ती है। इसका एक छोटा सा कारण है, इतना छोटा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ के पेट में जो बच्चा निर्मित होता है उसके पहले अणु में 24 जीवाणु पुरुष के होते हैं और 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। अगर 24-24 अणु के दोनों जीवाणु मिलते हैं तो 48 जीवाणु का पहला सेल निर्मित होता है। 48 सेल जो बच्चा पैदा होता है वह स्त्री का शरीर बन जाता है। उसके दोनों बाजू में 24-24 सेल संतुलित होते हैं। पुरुष का जो जीवाणु होता है वह 47 जीवाणुओं का होता है, एक तरफ 24 होते हैं और एक तरफ 23 होते हैं। बस यहीं पर संतुलन टूट गया और स्त्री का पलड़ा भारी हो गया। एक जीवाणु ज़्यादा होने के कारण उसके व्यक्तित्व का काया पैदा होता है, उसकी कला अच्छी होती है और उसके मुकाबले स्त्री पुरुष से ज़्यादा सुंदर होती है, क्योंकि उसका तराजू संतुलित नहीं है। तराजू जीवाणुओं से बना है, स्त्री का 24 और पुरुष से जो जीवाणु मिलता है वह 23 का बना होता है। तो यही कारण है कि मनुष्य में एक जीवाणु अणु कम है और स्त्री में दोनों अणु पूरे हैं। बस इतनी सी जैविक घटना स्त्री की खूबसूरती को पुरुष से ज़्यादा कर देता है। दोस्तों अगला सवाल है, शराब पीने के बाद नशा क्यों चढ़ता है। दोस्तों अल्कोहल के कारण शराब में नशा होता है। अल्कोहल अनाज, फल, कुछ सब्जियों में खमीर मिलाकर तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो रसायन पैदा होता है उसे इथेनॉल कहते हैं। शराब बनने के लिए विशुद्ध अल्कोहल में अन्य तत्व मिलाकर उसे पतला किया जाता है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो अल्कोहल उसके पेट और आंतों से होते हुए खून में पहुंच जाता है, और जब वह खून मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क की कोशिकाओं या अल्कोहलिक खून के कारण न्यूरोट्रांसमीटर या संदेश भेजना बंद कर देता है। आसान भाषा में कहें तो शरीर के विभिन्न हिस्सों को संदेश भेजने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे शराब का सेवन करने वालों की जवान लड़खड़ा जाती है। व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाते हैं और कभी कभी चक्कर भी आने लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो उसका कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।